नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम राइस के साथ एक अलग रेसिपी ट्राई करेंगे जो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनके तैयार हो जाती है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले एक पैन लीजिए और उसे गैस स्टोव पर रख दीजिए। पैन थोड़ा गर्म होने के बाद हम उसमें 1 टेबलस्पून जीरा ऐड करेंगे। अब उसी पैन में 2 इंच दालचीनी ऐड करें। दालचीनी नेचर में थोड़ी तीखी होती है, इसलिए हम यहाँ इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद इसमें 2 इलायची डालें। अब इसमें 3 लवंग ऐड करें। सबसे लास्ट में हम यहाँ 3 टेबलस्पून सूखा नारियल ऐड करेंगे। ये सारे मसाले हम रोस्ट करेंगे और उससे एक मसाला बनाएंगे जो हम ग्रीन राइस बनाते वक्त यूज़ करेंगे। सारे मसालों को हमें थोड़ा सा ब्राउनिश होने तक रोस्ट करना है। आप देख सकते हैं मसालों का कलर चेंज हो चुका है। अब हम मिक्सर में पुदीने के 20 से 25 पत्ते डालेंगे। अब इसमें कटा हुआ हरा धनिया पत्ता डालें। उसके बाद इसमें 7 से 8 लहसुन की पंखुड़ियाँ ऐड करें। अब 1.5 इंच कटा हुआ अदरक डालें। सबसे लास्ट में हम लोगों ने जो मसाले रोस्ट किए थे वो ऐड करेंगे। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को दरदरा पीस लें। पीसते वक्त इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें। दो से 3 मिनट तक पीसने के बाद ढक्कन हटा दें। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ बिल्कुल भी थिन पेस्ट नहीं बनाई है, उसे दरदरा ही रखा है। अब हमारा ग्रीन राइस मसाला रेडी है। गैस स्टोव पे एक कढ़ाई रखें और उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालें। आप ऑयल की जगह घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने दें और उसमें 1/2 टेबलस्पून जीरा ऐड करें। अब इसमें 2 मीडियम साइज कटी हुई प्याज डालें। अगर आप इस शेप में प्याज को कट करेंगे तो ये फ्राई करते वक्त जलेंगी नहीं और उसका बहुत ही बढ़िया फ्लेवर राइस में आएगा। अब हम इसमें रफली कट की हुई हरी मिर्च डालेंगे। अगर हरी मिर्च को छोटे छोटे पीसेस में कट करोगे तो राइस तीखा होने की पॉसिबिलिटी है। अब हम इसमें 1 मीडियम साइज तेज पत्ता डालेंगे। प्याज को मीडियम फ्लेम पर भूनते रहिए। अब हम इसमें थोड़े से काजू डालेंगे और काजू को अच्छे से फ्राई करेंगे। प्याज जल्दी से और अच्छे से भुनी जानी चाहिए, इसके लिए हम इसमें 1/2 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे। कम से कम 2 से 3 मिनट तक प्याज को भून लीजिए। प्याज का रोस्टेड फ्लेवर राइस में बहुत ही बढ़िया आता है। अब हम इसमें 3 टेबलस्पून ग्रीन राइस मसाला ऐड करेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लें और 2 से 3 मिनट तक इसे भून लें। आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। इसमें थोड़ा सा पानी डालिए ताकि सारे मसाले अच्छे से पक जाएं। सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें 1 बाउल बासमती राइस ऐड करें। चावल को मसालों में अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम इसमें 1.5 गुना पानी ऐड करेंगे, या आप ये भी कर सकते हैं कि चावल जब तक डूब नहीं जाते उतना पानी डालें। सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स कर लें। कढ़ाई पे ढक्कन रख दें और 4 से 5 मिनट तक इसे पकने दें। बीच बीच में राइस को चेक करते रहें और मिक्स करते रहें ताकि वो नीचे से जले ना। मिक्स करने के बाद कढ़ाई पे वापस से ढक्कन रख दें और 5 से 6 मिनट तक पकने दें। 5 से 6 मिनट के बाद कढ़ाई से ढक्कन हटा दें और सारे चावल मिक्स कर दें। अगर चावल अच्छे से पक चुके हैं तो आपका ग्रीन राइस रेडी है। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज अपना प्यार दिखाएं लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके।